और अब बढ़ते हैं आगे, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया, उपचुनाव पर बयान दिया है सीएम मोहन यादव ने और कहा कि विकास के लिए सरकार काम कर रही है। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताएं, सीएम ने देवउठनी 11 के प्रदेशवासियों को बधाई भी दी और कहा यह हमारा परंपरागत त्यौहार है, ये मिलन का त्यौहार है। ये तमाम बातें कही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से अपील करता हूं कि विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से भारत की साख देश दुनिया में बना रहे हैं, सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के साथ भारतीय लोगों के लिए गौरव और गर्व का मौका है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हमारी अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामों से भी जनहित ऐसी कई सारे निर्णयों को जनता मानती है। हमारे यहाँ 2 उपचुनाव है, बुधनी और विजयपुर। दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशी यहाँ हमारे रमाकांत भार्गव जी जो बुधनी में है, वहाँ रामनिवास रावत जी जो मंत्री है, पहली बार श्योपुर जिले को मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और विकास के मामले में इससे बड़ा कोई निर्णय नहीं हो सकता है। मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि भारी संख्या में मत देकर हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताएं। हमारे यशस्वी विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी के निवास पर भगवान तुलसी और शालिग्राम का विवाह जो हुआ है ये अद्भुत है और ये देवोत्थान एकादशी का सबसे बड़ा हमारा अपना परंपरागत त्यौहार भी है और ख़ास करके वर्तमान युग में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से सांस्कृतिक अनुष्ठान का समय चल रहा है, एक तरह सांस्कृतिक यज्ञ चल रहा है, सनातन धर्म के लिए गौरवशाली दिन है और ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु नींद से जाग करके सत्ता का संसार की इस रचना का व्यवस्था का कार्यभार भगवान शिव से अपने हाथ में लेते हैं। इसीलिए हरिहर मिलन का दिन भी आज होता है। मेरी अपनी ओर से देवोत्थान एकादशी पर प्रदेशवासियों को देशवासियों को बधाई।